आपका नाम बता दीजिए और आज यहाँ पर क्या चल रहा है ये बता दीजिए। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं तुलसी संस्था से हूँ। तुलसी संस्था में महासचिव के पद पर हूँ। आज तुलसी संस्था की तरफ से एक शिविर लगाया जा रहा है जिसमें कैंसर प्रिवेंशन के सारे टेस्ट होंगे। इसमें क्या मान लें कि जो औरतों को अपने बारे में कुछ ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या बीमारी है, और पता भी चलता है तो वो इतनी जागरूक नहीं कि बीमारी का इलाज कराने जाएँ। कुछ महिलाएं तो सोचती नहीं, नहीं मैं परिवार तक ही सीमित हूँ, मुझे कोई इलाज वलाज की जरूरत नहीं है, या पता लग जाए तो अरे बाप रे ये तो बड़ा महामारी है, मैं नहीं जा रही टेस्ट कराने, मैं नहीं इलाज कराऊंगी, बहुत खर्चे वाला काम है। तो हम लोगों को आज इसके माध्यम से जागरूक करना चाह रहे हैं, ये कोई महामारी नहीं है। 40% केसेस ऐसे हैं जो लोग सिर्फ इसी अंधविश्वास में मर जाते हैं कि वो इलाज नहीं करा पाते। ये कहते हैं नहीं महामारी है, ये बहुत भयंकर बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। और उसी चीज़ को जागरूक करने के लिए राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की मदद से आज ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर में हम उन सभी जांच कर रहे हैं जिन चीज़ों से औरतें जनरली अनभिज्ञ रहती हैं, जैसे गर्भ की जांच कराएंगे, गायनोलॉजिस्ट आएंगे, ENT है जो बहुत हमारे भाई लोग पान खाते हैं, दारू पीते हैं, उनका गले अक्सर खराब हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। कैंसर की बीमारी 4th स्टेज में जाके अपना रंग बताती है कि हाँ मैं तुम्हारे शरीर में आ गई हूँ। तो हम चाहते हैं इन चीज़ों को पहले से ही लोगों को बताएं, जागरूक करें, और उसी जागरूकता अभियान के अंदर ही हमारा ये शिविर आज लगा हुआ है। इस शिविर में हमारे साथ काम करने वालों में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल का सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है। ये हमारी महाराज जी हैं, उसी संस्था के अध्यक्ष हैं, इनका पूरा आशीर्वाद है, इनका मार्गदर्शन है, इनके कहने से ही हम दिल्ली और दिल्ली के बाहर इस तरह के शिविर लगाते रहे हैं। कैंसर को लेकर हमारा दूसरा शिविर है, बड़ा शिविर है। इससे पहले हर महीने हमारी संस्था अलीपुर में एक शिविर लगाती है जिसमें हम जनरल जितनी बीमारियां होती हैं उन सबके इलाज के लिए हम व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, और तुलसी के बारे में बता दीजिए, तुलसी संस्था के बारे में बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें और करते हैं। तुलसी संस्था की शुरुआत 1987 में हुई, उस वक्त दहेज को लेके बड़ी मारामारी थी। 498 का एक्ट हुआ था, उस एक्ट को लेके लोगों में बड़ा भय था कि एक लड़की ने बहू ने शिकायत कर दी तो सारा परिवार अंदर हो जाएगा। तो पहले तो ये हुआ कि उसके प्रति हमने लोगों को जागरूक किया कि ऐसा नहीं कि 498 में आपने शिकायत दी और लोग उठा के ले गए। हुआ ऐसा, हुआ मिसयूज भी हुआ उस चीज़ को।